हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द किंग्स चॉइस। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आप सब लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। वंस देयर वॉज अ बिग हैंडसम फायर्स एंड स्ट्रॉन्ग लॉयन। मतलब एक बार की बात है, एक लॉयन था। कैसा था वो? हैंडसम, फायर्स मतलब होता है खतरनाक, और स्ट्रॉन्ग ताकतवर। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल द एनिमल्स यूज टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम, बट द लॉयंस डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब वो क्या था? किंग था, जंगल का राजा था। तो सब लोग उसको प्रेजेंट वगैरह देते थे, गिफ्ट्स देते थे। सब जितने भी जानवर थे वहाँ के, सब लोग उसको गिफ्ट्स ला ला के देते थे। पर उसकी जो इच्छाएँ थी, जो डिमांड थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मतलब बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो उसने एक दिन क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो मेरा मतलब मैं किंग हूँ इधर का, तो मेरे कुछ कोर्टियर्स होने चाहिए, मतलब कुछ दरबारी होने चाहिए। तो उसने किस किस को बुलाया? एक फॉक्स को बुलाया, लियोपार्ड मतलब तेंदुए को बुलाया, और क्रो को बुलाया, और बोला उनसे कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फॉक्स को किस लिए जाना जाता है? कि वो बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा चालाक होता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे एडवाइज़र बन जाओ। मतलब एडवाइज़र मतलब होता है जो सलाह देता है। तो जब वो बहुत समझदार है और चालाक है, तो वो बहुत अच्छी सलाह देता है देगा। तो वो बोलता है कि फॉक्स तुम मेरे एडवाइज़र बन जाओ। और जो उसकी, तो फॉक्स क्या करता है? हाँ, अपना सर झुकाता है और बोलता है हाँ ओके। देन ही टर्न टू द लियोपार्ड। द लियोपार्ड इज़ नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फूटेड। अब अलर्ट क्या होता है? मतलब बहुत जल्दी सोचना कुछ, वो बहुत जल्दी किसी चीज़ का एक्शन करते हैं। तो और स्विफ्ट फूटेड मतलब वो बहुत आराम से आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएगा। तो वो बोलता है कि ये बहुत अलर्ट और स्विफ्ट फूटेड है, तो मैं इसको अपना बॉडीगार्ड बना लेता हूँ। तो वो बोलता है थैंक यू योर मैजेस्टी, सेट द लियोपार्ड। एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो, यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई, आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर। दस ही अपॉइंटेड दैम एज इज कोर्टियस। मतलब वो बोलता है कि क्रो क्या करता है, उड़ सकता है बहुत हाई, और वो कहीं भी आ जा सकता है। तो वो बोलता है तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, मतलब जो मेरे मैसेज को इधर उधर ले जाएगा। तो वो अपने क्या करता है, दरबारी अपॉइंट कर लेता है। किस किस को? एक तो वो फॉक्स को अपॉइंट करता है अपना एडवाइज़र, लियोपार्ड को अपना बॉडीगार्ड, और क्रो को अपना मैसेंजर। ऑल द थ्री टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग प्रोमिस देम फूड एंड प्रोटेक्शन। दे नेवर अपोज द किंग एज इज बिजनेस पर लॉ। मतलब उन सब ने क्या किया, फिर प्रोमिस किया कि वो हमेशा किंग के लिए लॉयल रहेंगे। और किंग ने उनको प्रोमिस किया कि वो उन्हें फूड देगा और उनका प्रोटेक्शन करेगा, मतलब उनकी रखवाली करेगा। दे नेवर अपोज द किंग एज हर बिजनेस पर लॉ वेन एवर ही रोड द स्टूडेंट ऑ। अब क्या होता है, मतलब उनने कभी भी किंग को अपोज नहीं किया, क्योंकि जो उसकी विश थी, जो भी उसकी इच्छाएं थी, वो उनके लिए क्या था, कानून था। और जब भी वो किंग उनको बुलाता था या रोर करता था, तो वो सब खड़े हो जाते थे इन ओ। ए डब्ल्यू ई, उसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा डर होता है। हम जैसे कभी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में हम उससे थोड़ा डरते भी हैं, तो जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे उसके लिए रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ होती है। दे फॉलोड हिम वेयर एवर ही बैंड। वैन द किंग बैंड हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। आफ्टर हिज फिल ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। मतलब क्या होता था, किंग जहाँ जहाँ जाता था, वो जो उसके दरबारी थे वो उसको फॉलो करते थे, और जब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाता था, तो वो सब उन उसके लिए क्या ढूंढते थे, मतलब एनिमल्स ढूंढते थे जिसका वो शिकार कर सके। और जब वो अपना मतलब जब वो खा लेता था, और बाकी जो रिमेन्स मतलब बचा हुआ जो कुछ बचा रहता था, वो ये सब खाते थे। फॉक्स, लियोपर्ड और क्रो खाते थे, और मतलब उनके पास इनफ रहता था, इतना ज़्यादा रहता था कि उन तीनों का भी पेट भर जाता था। वन डे द क्रो सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी हैव यू एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट, इट इज़ क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट, आई एट सम इन द डेजर्ट वंस। एक दिन जो क्रो था वो बोलता है कि
किंग, क्या आपने कभी कैमल का मीट टेस्ट किया है? वो बहुत टेस्टी होता है और थोड़ा थोड़ा मीठा भी होता है। मैंने एक बार टेस्ट किया था, कहाँ पर? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में। लेकिन लॉय ने कभी कैमल ना देखा था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, लॉन्ग लॉन्ग मतलब किसी चीज़ के लिए, मतलब इच्छा हो जाना कि बस अब हमें ये खाना है। तो वो बोलता है कि हमें कैमल मिलेगा कहाँ। Once flying over a desert which is some miles away, I saw a lone camel there. It looked big and fat. मतलब वो बोलती है, कौआ बोलता है कि जब मैं एक बार डेजर्ट के वहाँ उड़ रहा था तो मैंने एक कैमल देखा था अकेले, और वो बहुत बड़ा था और बहुत मोटा था। The lion looked at his other advisors. They welcomed the idea and decided that the crow would show them the way. मतलब उसने अपने जो उसके दो और एडवाइजर्स थे उनकी तरफ देखा, तो उनने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है, और उनने सबने डिसाइड किया कि उनको क्रो उनको रास्ता दिखाएगा और वो डेजर्ट की तरफ जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइजर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट। दे सून रीच द डेजर्ट। वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट, ब्लेजिंग सन बेट डाउन ऑन देम। इट वॉज अनबियरेबल हॉट। हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो। मतलब क्या था, अगली मॉर्निंग जब लॉयन और उसके जो एडवाइजर्स थे, जो भी उसके कोर्टियर्स वगैरह थे, उन्होंने स्टार्ट की जर्नी कहाँ के लिए, डेजर्ट साइड जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो डेजर्ट पहुँचे, तो जो सन चमकता हुआ एकदम गर्म होता है ना, सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो डेजर्ट में तो वो और ज़्यादा होती है, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल उनके ऊपर आ गया, और वो ऐसी गर्मी थी कि जिसको वो सहन नहीं कर सकते थे। हाई अप इन द, और जो ऊपर जो ठंडी हवा चल रही थी उसमें कौआ उड़ रहा था। हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड आउट द कैमल इज नॉट फार ऑफ। वो बोलता है कि जल्दी करो, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर, द हॉट सैंड हैज बर्नड हिज पॉज। वो पॉज क्या होता है, मतलब जो उसके पंजे होते हैं, तो जो लॉयन था उसके जो पंजे थे वो जलने लगे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतना दूर मतलब डेजर्ट में चल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वो बोलता है कि स्टॉप, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट। मतलब ठीक है, रहने दो आप, सब रुक जाओ और हम फॉरेस्ट वापस चलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कैमल का मीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिज एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड, मतलब वो एकदम से चौक गए, डर गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम। द लियोपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, द क्रो वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच, बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। ऑफ ही रन टू द डेजर्ट सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। तो क्या हुआ, मतलब वो सब थोड़ा चौक गए और वो सोचने लगे कि कैसे लॉयन को वापस ले जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट भी बहुत दूर था। तो लियोपार्ड ने सोचा कि उसने भागने का सोचा, और जो क्रो था उसने सोचा कि यहीं रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी वो कुछ प्लान करने लगी, और उसने वो डेजर्ट की तरफ भागा और बोला कि मैं कुछ हेल्प लाता हूँ। ही रेन टू द कैमल। द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ फॉक्स इन द डेजर्ट। हरी अ फ्रेंड सेट द फॉक्स, अवर किंग वॉन्ट्स यू बंस। तो वो क्या करता है, भागते भागते कैमल के पास गया। कैमल उसको देख के सरप्राइज हो गया, क्योंकि डेजर्ट में आपको कोई ऐसे एनिमल्स नहीं मिलते हैं जैसे लॉयन वगैरह, फॉक्स वगैरह। तो वो सरप्राइज हो गया कि डेजर्ट में फॉक्स क्या कर रहा है। तो फॉक्स कैमल से बोलता है कि जल्दी करो दोस्त, मेरे जो किंग हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और वो तुम्हें अभी के अभी वहीं चाहते हैं। अवर किंग, हु इज दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट। वो बोलता है अपने राजा, मतलब मैं किसी किंग को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ, जिसके लिए मैं सामान ढोता हूँ डेजर्ट में इधर से उधर। अवर किंग इज अ लॉयन, ही हैज किल्ड योर मास्टर, सो नाउ यू आर फ्री। द लॉयन इनवाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। वो बोलता है कि जो हमारे राजा हैं वो लॉयन है, और उनने क्या किया, तुम्हारे मास्टर को मार दिया, और तुम अब फ्री हो। तो किंग ने तुम्हें बुलाया है, इनवाइट किया है अपने दरबार में, तो मेरे साथ आओ। विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स, एंड व्हेन बोथ रीच्ड लॉयंस कैंप, द क्रो एंड लियोपर्ड वर सरप्राइज्ड। इवन द लॉयन वाज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्नड पॉज।
मतलब बिना कुछ सोचे कैमल क्या हुआ, उनके साथ चलने लगा। और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, जो लॉयन था उसके कैंप पर, वो जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर पहुँचे। तो जो क्रो और लियोपार्ड थे वो देख के एकदम से शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए। और जो लॉयन था वो भी प्लीज मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, भले ही उसके जो पॉज थे, जो उसके पंजे थे वो जल जल गए थे, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। द लॉयन एट वंस जंप्ड ऑन द कैमल्स बैक एंड द फॉक्स एंड द लियोपार्ड सैट बिहाइंड द लॉयन। When they returned to the forest, they were tired and hungry. The three advisors looked at the camel intently. अब क्या हुआ? वो बोलता है कि चलो सब लोग कैमल की पीठ पर बैठ जाओ और हम लोग घर वापस चलेंगे। तो सब लोग बैठ गए और वापस से जंगल आ गए। उसके बाद सब कैसे थे? थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो जो तीनों एडवाइज़र थे वो कैमल को देखने लगे। Then they looked at each other and smiled mysteriously. Mysteriously मतलब होता है जो किसी को समझ ना आए, एक दूसरे को समझ ना आए। जैसे तो वो क्यों स्माइल कर रहे थे? क्योंकि वो कैमल को क्यों लेके आए थे? खाने के लिए। They thought it was time for dinner now. The lion knew what was going as in his courtier's mind. He turned to the camel and said, I had to thank you for saving my life. You are welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. तो जो किंग था वो जानता था कि उसके कोर्टियर्स के माइंड में क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है, कैमल से बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, तुमने मेरी लाइफ सेव की और तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है और तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। I promise you my protection मतलब तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे। The courtiers were shocked. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to live, which they have brought here for dinner. However, they could not complain as he was the king. Now the lion could not hunt as his paws were badly burnt. He was very hungry indeed. अब क्या हुआ, जो उसके courtiers थे वो एकदम से shock हो गए, surprise हो गए कि इसको तो हम खाने के लिए लाए थे पर king ने इसको यहाँ रहने को बोल दिया। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका किंग था। और जो लॉयन था उसके जो पंजे थे वो पूरी तरह जल गए थे, इसलिए वो अब शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था। फॉक्स लियोपार्ड क्रो ही रोड, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, दे वेंट आउट एंड सैट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू। अब वो चिल्ला के बोलता है कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, मैं बहुत भूखा हूँ और बीमार हूँ, तो जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। तो जो कोर्टियर्स थे वो उसको उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और बाहर गए और बैठ के सोचने लगे कि अब क्या करें। तो फॉक्स बोलता है मेरे पास एक प्लान है, वी शैल मेक द कैमल रिक्वेस्ट द लॉयन टू ईट हिम। ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल एग्रीड दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, सो दे केम बैक टू द किंग। मतलब उनने बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कैमल खुद रिक्वेस्ट करे लॉयन से उसे खाने के लिए। तो वो सब ने बोला ये बहुत अच्छा आइडिया है और सारे वापस आ गए। फर्स्ट द क्रो स्टेप फॉरवर्ड बोइंग लो, योर मैजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट यू सफर, आई एम अ लिटिल क्रिएचर, प्लीज ईट मी, सेड द क्रो। तो ऐसे उनने क्या किया, पहले क्रो आया, वो क्या बोलता है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला लेकिन मैं छोटा सा जानवर हूँ, आप मुझे खा सकते हो, मैं आपको ऐसे सफ़र करते हुए ऐसे भूखा नहीं देख सकता। फिर क्या होता है, जो फॉक्स होता है वो उसको हटा के बोलता है कि नहीं नहीं आप मुझे खा लो, मुझ में ज़्यादा फ्लैश है, ज़्यादा मांस है। तो जो लियोपार्ड था वो आगे जाके वो बोलता है कि नहीं मैं और ज़्यादा बड़ा हूँ, आप मुझे खा लो। तो इन सब का देखते हैं कि सब लोग आके ऐसा बोल रहे हैं, तो कैमल देख के कैमल भी आके बोलता है कि आई एम विलिंग टू सैक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर, These friends are more useful than I am. Eat me please. वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए अपनी लाइफ देने में, मैं अपनी लाइफ दे के आपकी लाइफ बचाना चाहता हूँ, और ये जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हैं मुझसे, तो आप मुझे खा लो। दीज वर्ड्स ब्रॉट स्माइल्स अप्रेस ऑन द फेस ऑफ द एडवाइजर्स। तो ये सब देख के वो लोग खुश हो गए क्योंकि उन्होंने यही प्लान किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कैमल खुद बोले कि लॉयन से कि मुझे खा लो। But the lion stopped them. You are all
good and loyal. I am really touched by your offers. I shall eat you one by one as you offered yourself in order. वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम सबके ऑफर्स से जो तुम लोगों ने मुझे दिए हैं, और मैं क्या करूँगा, तुम लोगों को एक 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 से खाऊंगा जिस ऑर्डर में तुमने मुझसे ऑफर दिया है उसी ऑर्डर में. नॉट फॉर अ मोमेंट डिड द बेड एंड थ्री रेन अवे फ्रॉम देयर. द लायन हैड अ हार्टी लाफ. ही सेड टू द कैमल, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव. दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी. अब क्या हुआ, जब उसने बोला कि जिस टाइप से तुमने बोला है, ऑफर किया है मुझे, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में मैं तुम लोगों को खाऊंगा, तो क्या हुआ, एक मिनट के लिए भी कोई नहीं रुका, सारे वहाँ से तीनों भाग गए, बस कैमल रुक गया. तो वो जो लॉयन था वो एकदम से हंसने लगा कि देखा, तुम ही मेरे ट्रू फ्रेंड हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जब तक मैं जिंदा हूँ. तो ये सुन के कैमल बहुत खुश हुआ. तो बस ये इतनी सी स्टोरी है. थैंक यू.